मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक दिलचस्प वाक्या देखने को मिला। दरअसल कलेक्टर संदीप जी आर इस बार जनसुनवाई में आम जनता के साथ साथ अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं भी सुन रहे हैं। ये तभी कुछ सहायक अध्यापक अपने रुके हुए प्रमोशन के मामले को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। सहायक अध्यापकों का आवेदन लेकर कलेक्टर ने अचानक शिक्षकों से कहा कि आप अपनी समस्याओं को अंग्रेजी में बताएं। कलेक्टर के सवाल को सुनकर सभी शिक्षक चौंक गए और कानाफूसी करने लगे। कलेक्टर ने अपने सवाल को एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि आपको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन चूंकि आप विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसलिए अपनी समस्या को अंग्रेजी में बताएं। कुछ देर तक सन्नाटा रहने के बाद बमुश्किल एक महिला शिक्षक ने किसी तरह जोड़ तोड़ कर अंग्रेजी में एक वाक्य बोला। हालांकि कलेक्टर ने बाद में उनकी समस्या का शीघ्र निराकरण करने का भरोसा दिया है। साथ ही कहा गया कि जो शिक्षक अध्यापन कार्य में कमजोर मिलेंगे उन्हें अलग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शिक्षकों के कुछ नियुक्तियों को लेके जो सहायक अध्यापक सम्मिलियन में जो इशू आया था उनमें कुछ 19 ऐसे केसेस का जिक्र किया गया डीओ द्वारा कि उनके 19 ऐसे केसेस है, तो उनको आज बताया गया है कि शाम तक उनका लिस्टिंग करे और उनको एक बार चेक कर ले, नियमानुसार जो कार्रवाई होना वो शीघ्र करे। सर आपने सिलेबस संबंधित कुछ बात भी की थी उनसे, पूछताछ इंग्लिश में कुछ शब्दों के संबंध, उनको यही पूछा गया कि आप अगर शिक्षक है तो हम चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से सिखाए, तो उनका ट्रेनिंग भी हम लोग कराए कि वो लोग अप टू मार्क रहे। बहुत सारे शिक्षक बहुत अच्छे से काम करते हैं, कुछ शिक्षकों के मामले में थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत भी लगता है, तो उसी संबंध में आज चर्चा भी की गई। सर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी जो आएंगे? जी बिल्कुल, अभी हमारा मकसद है कि सभी विभागों में कॉन्स्टेंटली एक ट्रेनिंग का चलाने का एक डिसीशन लिया गया है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्तमान के नियमों को लेके, वर्तमान के परिस्थितियों को लेके ट्रेनिंग की बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रोज आजकल बदल रहा है, टेक्नोलॉजी इतना आ गया है कि हर रोज हमें अप टू डेट रहना है।